पानी हमारी बारी आ गई बेटा, चढ़वा देना, हम निकलते हैं घूमने आज। वेलकम या धन्य व्लॉग, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्पेशल होने लगा। स्पेशल क्या चीज़ है वो, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था भाई, क्या नाम है, टायर चढ़वाना है। बकाया काम हो गया है, तो जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था वो अभी सही वर्क नहीं कर रहा, तो एक और कट्टा खुल गया। वो पाइप ना कंप्रेसर का रगड़ता रहा है, पिछले टायर के साथ पता नहीं लगा, तो वो लीक हो गया। तो उसका भी कोई हल निकालेंगे, तो कोई प्रॉपर वर्किंग जैसे हमें चाहिए थी ना, एयर सस्पेंशन वो नहीं हुई। उम्मीद है कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की, हो जाएगा, कौन सी चीज़ें नहीं ठीक होती। तो अभी जो आपके लिए सरप्राइज़ है, मतलब जो चीज़ आपको अभी दिखानी है मैंने इस व्लॉग में, वो दिखाने से पहले भाई के चैनल को करें सब्सक्राइब, करते हैं आज का नया व्लॉग स्टार्ट। तो अभी चलते हैं, टायर लेकर चढ़वाते हैं। तो आज आपने भाई को साइकिल बाहर निकालना है, उसको भी सेट करवाएंगे सारा। तो चलते हैं अभी पहले, सबसे पहले टायर की तरफ। अच्छा ठीक है, अभी बाइक का टायर खुल चुका है। तो अभी इसका लॉक हटाते हैं, गैराजी को देखते हैं नीचे से आपकी सूरत हाल क्या, और बुश टूटे हुए हैं कि बचत हुई है, क्योंकि पिछले साल जब हमने टायर चढ़वाया था साथ इससे बुश टूट गए थे, तो ये सूरत हाल टूटे हुए हैं, बुश बिल्कुल ही रबड़ ख़त्म हुआ है। अभी इसके अंदर जो इसका लोहा होता है जिसके अंदर रबड़ फिट हुआ होता है, वो निकालेंगे और सफाई करके फिर नया फिट करेंगे, और देखें फिर अब दोबारा ना टूटे, क्योंकि टायर का वजन भी है ना, और वो फिर अभी बराबर करेंगे। तो उम्मीद अब नहीं होगा, तो अभी ये शाख की जो जगह थी अभी यहाँ से शाख उतार दी है, क्योंकि अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ। तो कंप्लीट करने के बाद हम इसको दोबारा टेस्ट करेंगे। अभी टायर, अब टायर रह गया ना सिर्फ, अभी सीट की थोड़ी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसकी वजह ये है भाई, ये मोटर गार्ड पड़ा हुआ है, ये अभी इसके ऊपर से गद्दा उतार है, तो इसको थोड़ा कट लगा के तो टेढ़ा किया, तो अब छोटे से पीस पत्री के लगा के वेल्ड करेंगे, और फिर इसको मोटर गार्ड काट के तो उसको चढ़ा करेंगे, और फिर सीट के नीचे वेल्ड करेंगे। वैसे मेरे भाई के काम निराले ही है, बंदा भाई बाइक ले लेते, पर भाई कहते हैं चीज़ में वो बनाओ ना जो लोगों ने देखी ना हो। तो अभी देखें क्या कर रहे हैं, अभी सीट को किया है अभी बाइक पर स्टैंड में, और वेल्ड करके मोटर गार्ड चढ़ा करके तो यहाँ पर इसको लगाएंगे अब लाइट यहाँ पर मोटर गार्ड के नीचे। तो ये हमें टेम्परेरी रखा है, रख के चेक का ही है, और सही डबल वाली लुक दे रहे, दो शिकरी आंखों से देख रहे, टायर इतना बड़ा और नीचे शिकरी दो आंखें। तो एग्जॉस्ट से ये भी भाई बाहर से इम्पोर्ट करके लेकर आए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है भी ओरिजिनल, कापी शापी नहीं है, और साउंड बड़ा चस्के का है। ये रही इसकी लुक फाइनल अभी नहीं है, तो टायर अभी इसके 130 का लगाया, अभी बड़ा लगाना शाक भी हमने अभी टेम्परेरी लगाए हुए हैं, क्योंकि अभी दरमियान वाला मोनो शाक अभी उसकी सेटिंग नहीं हो रही। तो लाइट आपको पसंद आई होगी, टायर के लिए ये पड़ा हुआ है, ये कराची से इंपोर्ट कराया है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हुआ है, थोड़ा बेंच एंड पड़ा हुआ है, तो ये अभी 160-70 का लगाने लगे हैं। तो ये टायर था, अभी इसको फिट करेंगे और देखेंगे पीछे से कैसे लुक दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा टायर, और काफ़ी मोटा और बड़ा लगेगा पीछे से। तो एक और सरप्राइज है, ये रहे शीशे, ये भी बाइक बार से लेकर आए हैं, और इतना टाइम वेट करने के बाद हमारी बारी आ गई है। अभी इस टायर को मशीन की मदद से चढ़ाएँ, क्योंकि टायर बहुत हार्ड है और मशीन से चढ़ता है। तो अभी ये मेरे जो भाई और मुझे बहुत पसंद है, इसकी लुक की ऐसी है मेरे लड़के जो मैं आपको क्या बताऊँ, चस्के के लगते हैं। तो ये आगे से बहुत सारी लाइट, और अभी मुझको सी टायर चढ़ेगा, आज शायद लगाएँगे और उसको चढ़ाएँगे ज़्यादा, आज लगाने से भी ना ट्यूब का पंचर होने में ख़तरा होता है, तो एक तरह से चढ़ता है दूसरी तरह से उतर जाता है, तो देखिए क्या तरतीब बनती है, ऐसा ऐसा घुमाएँगे दबाएँगे और देखें चढ़ता है कि नहीं। उम्मीद है चढ़ जाएगा, हार्ड वैसे बड़ा है। अब तीन बंदों से भी जोर लगाने से नहीं चढ़ रहा है, ख़राब हो जाएगा, नहीं चढ़ेगा भाई, छोड़ दें। वेलकम या दर्द न्यू व्लॉग, उम्मीद है सब खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो आज के व्लॉग में हमने क्या करना, आज के व्लॉग में हमने बाइक का जो बकाया काम रह गया था जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, तो आज बकाया से काम जो लेदर शादर आयल शल चेंज कराना वो कराएंगे, और जो बकाया काम थोड़ा मोटा रह जाएगा उसको इंशाल्लाह फिर अगले दिनों पर रखें, क्योंकि जिम्मे वाले ने हमने प्रोग्राम बनाया कहीं घूमने का, किधर जा रहे हैं वो मैं सरप्राइज़ है आपके लिए। तो अभी निकालते हैं बाइक, ये मेरे पीछे खड़ा, अभी निकालते हैं बाइक और चलते हैं मैकेनिक के पास, सामान मैं उसको दें, बाइक सर दे के तो सेटिंग वटिंग कराते हैं। काम शुरू हो गया तकरीबन 6 से 7 महीने से होंगे, बल्कि साल भी होने लगा,
टाइम ही कौन लगता पे आया वो तेरी खैर हो जाए। बिल्कुल है, देखें इसके शाफ पहले एक लीक हुआ है पंप, अब दूसरा भी लीक हो गया है। तो आज तो नहीं, इसको कल ही मैं सर्विस कराऊंगा ताकि जब चलें जी खुल तो गया है, सर निकालते हैं देखते हैं अंदर हाफ क्या सूरत हाल है। अब दुआ ये अब ना ख़राब हुआ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया लैदर्स को, काफ़ी ढीला हुआ, उसको आयल शायल देंगे थोड़ा सर्विस कराएंगे। तो चैन कवर लाजमी लगाऊंगा क्योंकि पीछे फैमिली बैठे तो डेंजरस होता है, कोई पता नहीं होता, पर अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मेन चीज़ है वो कराऊंगा। था कौन टूटा पे कुछ टूटा हुआ जी, त्रै फार चलो बस चार चेंज कर दिया। इससे पहले मेरा दिल था जैसे मेरे भाई ने बाइक तैयार की, वो भी अपने ही है भाई, वो मेरे बड़े भाई हैं, इस तरह मेरा भी दिल था तैयार करने पर नहीं, जितने के सारे कहते नए आ जाते पर मेरे भाई कहे थे वो चीज़ बनाओ जो पूरे पाकिस्तान में हो ही ना। तो अभी देखें मेरा अभी फिलहाल कुछ मिले ना, हाँ अगर दिल किया वैसे बड़ा टायर लगा दूँगा उसका, जो अभी लगाया वो तो अभी उससे भी बड़ा लगाना है भाई ने, फिर उसके बाद उससे बड़ा नेक्स्ट ईयर आएँगे तो बाहर होते हैं ना बाहर मुल्क में, तो वो नेक्स्ट ईयर आएंगे तो आके फिर उससे बड़ा लगाने की कोशिश करें। मैं इसी चिमटे में बड़ा फिट करवा लूँगा तो उससे बड़ा नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि फिर इंजन पर भी लोड पड़ता है और मोटरसाइकिल हमने कभी कभार भगाना पड़ जाए तो फिर वो मुश्किल होती है, फिर वो भागता नहीं है, फिर आपको पता टायर भरा हो तो फिर चैन गिरारी टूटने का, चैन टूटने का भी खतरा होता है। इसलिए अभी मैं सोचूँगा खूब क्या पता कराऊँ क्या पता ना भी कराऊँ, तो अभी देखें एग्जॉस्ट फिट लग रहे हैं। यहाँ पर सुकून आप मेरी हालत दे सकते हैं, रात को 12-1 बजे के बाद मैं जाकर सोऊँ क्यों, थकावट की वजह से ना मुझे अभी भी शदीद पेन हो रही है पीछे कमर में, वो क्यों अभी भाई के साथ गया हुआ तो उनका थोड़ा सा मोटर गार्ड वगैरह लगवाया और थोड़ा जो उसको शाक की जो आगे फिर मैम ने फिर मैम ने शाक लगाया उसको थोड़ा और सीधा किया, बिल्कुल पहले वो थोड़ा सा ऐसे था ना फिर वो सीधा किया, तो अभी और मोटरसाइकिल ऊपर हो जाएगी है, फिर ऊपर बैठने से ना तो पंप उसको जो है वो बहुत नीचे नहीं होगा, नॉर्मल हो भी गया तो चलेगा। मैंने कहा आप बार करें मोटरसाइकिल मेरे ठीक, मैं ज़रा कमर सीधी कर लूँ, थकावट हुई हालांकि मेरा दिल नहीं था आज करने पर, हमने बाइक का करना है कि चलो जो काम निपट जाए तो अभी वो काम करूँगा, फिर कल इसको सर्विस कराऊँगा उसके बाद आराम करूँगा मैं, फिर जुम्मे वाले दिन हम सुबह सुबह निकलने वो किधर जा रहा हूँ आपके लिए सरप्राइज़ होगा, आप दुआ करें थकावट ना हो आराम आ जाए, पीछे कमर में दर्द है शरीर किस्म की पेन हो रही है तो वो आराम आएगा तभी बाइक चलेगा नहीं तो मुश्किल हो जाएगा बड़ा। अब थोड़ा सा देखिए मेरे सामने बड़ी शर्फ दर्द है, मेरी आँखें थोड़ी रेड रेड नज़र आ रही है आपको, फिर जाते हैं यहाँ से तो सीधा दर्द कर इंशाल्लाह आराम करेंगे, अगर भाई का फ़ोन ना आया फिर कोई कटा ना पड़ जाए। ये लैदर की सूरत हाल है, बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगा के मैं अपना गुजारा चला रहा था, तो ये हालत से करके तो हम लैदर चेंज करते हैं। शाख लीक हो गई चेंज हो वैसे ही रखी है, कितना खर्चा आवे थे पंप चेंज करना है ए हजार दे लगभग खर्चा जी, सही कन्फर्म तो कोई नहीं पता लेकिन हजार दे लगभग वो भाई जा रहे हैं अभी वो आगे क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैंने इसको एक दफ़ा चेंज किया नहीं वो मैं तस्वीर बनाना पे हूँ वो पता, नेक्स्ट टाइम मैंने इसको चेंज किया था तो मुझे याद नहीं मैंने कितने का लिया था, महंगा ही मुझे मिला था, पर मजबूत काम कर रहे हैं। तो जी गियर लीवर भी लग गया है, अब उम्मीद नहीं है उतरे, चैन भी टाइट होगा, आयल लगाना है, फिर चला के अगर और एक ब्रेक चेक कर लूँ, लूज़ तो नहीं करनी, थोड़ी टाइट तो नहीं करनी, अभी ठीक है यहाँ पर अभी भगा के चेक करेंगे ना, भगाना इस तरह भी नहीं है, खुदा ना कर स्लिप हो जाए, खैर कंट्रोल इतना मेरा है पर बुरे वक्त कभी नहीं पता होता, लगा बता स्लिप तो नहीं होगा, अब निकलेगा तो नहीं बाहर, ठीक हो गया, अब इसको ऑयल देना तो वो फिर आता है पैदान वो फिट करें, फिर हो गया ने माशाल्लाह माशाल्लाह, उम्मीद नहीं होता है, हेलो जी फिट करो फिट कर दो। अभी घर पहुँचा हूँ और इतनी थकावट है वो क्यों, 3 दिन से लगातार बाइक का काम कर रहे, बाइक का सिर्फ मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, वो जो सिर्फ एग्जॉस्ट कराया था
तो अभी लेवल का समझ थक चुका हूँ। भाई का काम क्या कर रहा है मोटरसाइकिल का, उसका जो टायर था वो भाई ने और बड़ा लगा अभी जो बम लग रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने चैनिंग गरारी के भी स्टूडियो वो करवाए, ओके ओके उनका मोटरसाइकिल। फिर उसके बाद मेरे मोटरसाइकिल की बारी आ गई, उससे कि ये गरारी के बुश हो गए, लैदर आयल, जब चैन कवर की बारी आ गई है देखिए भाई की जेब भी खाली हो गई है। तो अभी उसको रहने देते हैं, करवाएंगे पर अभी नहीं। तो उसके बाद जो शाफ हैं वो उसका पंप लीक हो उसको उतारेंगे और इन्हें लगा देंगे, फिर बाद में देखेंगे। तो अभी करते हैं आराम, तो कल फिर टूर को भी जाने, दोनों मोटरसाइकिल रेडी हो गए हैं। तो वीडियो पसंद आई शेयर कर देना, लाइक करना है, कमेंट करना है, इंस्टाग्राम में भाई को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए।